मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार, और वो एंजल है बॉलीवुड अदाकारा नरगिस फाखरी। जी हाँ, अमेरिकन मॉडल और बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी आज 42 साल की हो गई है। पहली फिल्म रॉकस्टार से इंडस्ट्री में एंट्री करने वाली बीटाउन हसीना बेबाक नेचर और बिंदास लाइफ जीने के लिए जानी जाती है। अपने डांस, अपनी खूबसूरती और अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाली नरगिस एक्टिंग से पहले मॉडलिंग कर चुकी है। नरगिस फाखरी को मॉडलिंग के दिनों में फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने स्पॉट किया और उन्हें अपनी फिल्म रॉकस्टार के लिए अप्रोच किया। इस फिल्म ने नरगिस के करियर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नरगिस का जन्म 20 अक्टूबर 1979 को न्यूयॉर्क में हुआ था। साल 2004 में वो अमेरिका नेक्स्ट टॉप मॉडल में भी नजर आई। इसके बाद नरगिस ने अमेरिका में मॉडलिंग की और एजेंसियों के लिए फ्रीलांसिंग की। साल 2009 में नरगिस को ज्यादा फेम तब मिला जब वो किंगफिशर कैलेंडर में नजर आई। कैलेंडर से फिल्म मेकर इम्तियाज अली का ध्यान उन पर गया और उन्होंने फिल्म रॉकस्टार के लिए नरगिस को साइन कर दिया। साल 2011 में नरगिस फाखरी की फिल्म रॉकस्टार रिलीज हुई, जिसमें वो एक्टर रणबीर कपूर के अपोजिट थी। फिल्म में उन्हें बहुत पसंद किया गया। नरगिस ने रॉकस्टार में रणबीर कपूर की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। फिल्म रॉकस्टार के बाद नरगिस मद्रास कैफे, मैं तेरा हीरो और हाउसफुल 3, बेंजो अजहर, फटा पोस्टर निकला हीरो, फाइव वेडिंग्स जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। रॉकस्टार में रोमांटिक अवतार में दिखने वाली नरगिस फाखरी अपनी दूसरी फिल्म मद्रास कैफे में एक्शन अवतार में दिखी। एक जर्नलिस्ट के किरदार में फिल्म मद्रास कैफे में नरगिस फाखरी ने काम किया। इसके अलावा नरगिस दो फिल्मों में बतौर आइटम गर्ल भी नजर आ चुकी है। उनका एक आइटम सॉन्ग शाहिद कपूर के साथ था और दूसरा सलमान खान स्टारर किक के डेविल सॉन्ग में भी नजर आई। नरगिस अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रही। साल 2014 में उनका नाम अभिनेता उदय चोपड़ा के साथ जुड़ा, लेकिन दोनों ने ही अपने रिश्ते को सिरे से नकार दिया। नरगिस फाखरी अपनी एक्टिंग से ज्यादा ग्लैमर और फैशन के लिए भी पहचानी जाती है। नरगिस फाखरी ने कई फिल्मों में अपने बोल्ड सीन्स से फैंस को अपना दीवाना भी बना दिया है। फैंस को नरगिस फाखरी की हर अदा बेहद पसंद आती है। नरगिस को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आप नरगिस के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को देखें तो उसमें जो सबसे कॉमन चीज मिलेगी वो है उनके घूमने फिरने की तस्वीरें। फिटनेस, खाना और घूमने के साथ ही नरगिस को जिस चीज का सबसे ज्यादा शौक है वो है किताबें। दिन भर चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना हो, लेकिन नरगिस अपने लिए किताब पढ़ने का समय निकाल के लेती है। फिलहाल कहा जा रहा है कि नरगिस बॉलीवुड से दूर है, लेकिन उनकी एंट्री बॉलीवुड में कब होती है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बोल्ड और खूबसूरत अदाकारा नरगिस फाखरी आज 42 साल की हो गई है। न्यूज इंडिया की ओर से नरगिस फाखरी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।